नीतू, कितना मुश्किल है डांस जैसे कठिन विधा में सफलता हासिल करना? मुश्किल तो नहीं है, आसान है, इसे हमें प्रैक्टिस करना होगा डांस के लिए, और हर एक स्टेप को जानना चाहिए, इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं डांस में। डांस में अच्छा करने के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? डांस में अच्छा करने के लिए हमें उस गाने को, हर एक स्टेप को देखना है, हर एक स्टेप को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तब तो हम बहुत आगे कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि उससे भी अच्छा हम जाने उस चीज़ को, उससे उसके बारे में, और तब प्रैक्टिस करें। क्या आपको लगता है कि इसमें प्रैक्टिस के दौरान जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना भी बहुत आवश्यक है? जी, उनको बहुत ज़रूरी है उसे दूर करने के लिए। उसे दूर करने के लिए हमें उस चीज़ को बार बार देखना है, हर एक स्टेप को, हर चीज़ को, फिर हम उसे हूबहू उतारें और कोशिश करेंगे उससे भी अच्छा करने का। कैरियर के रूप में डांस कितना उपयोगी हो सकता है? करियर के में भी बहुत उपयोगी है। हम जैसे माइकल जैक्सन को ले लीजिए, वो अपने डांस से बहुत ही पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। उससे फिर कोरियोग्राफर हम बन सकते हैं, जैसे रेमो डिसोजा है, बहुत तरह के हैं इसमें, जो कि वो लोग अपना करियर बनाए हुए हैं, पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। एक विजेता के रूप में मधेपुरा की छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगी कि बिहार डांस स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा मंच है, उसे जानिए, उसे कोशिश कीजिए जुड़ने की, और हम एक अच्छे कलाकार साबित हो सकते हैं। बस ज़रूरी है उस अपने हौसले को बढ़ाने की।